की नवनियुक्त अध्यक्षा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय कुमारी शैलजा जी, हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय शादीलाल बत्रा जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह, आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जी, आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, हमारी बहुत ही संघर्षशील विधायिका गीता भुक्कल जी, हमारी बहन शकुंतला खटक जी, पूर्व विधायक भारत भूषण बत्रा जी, पूर्व विधायक राव यादवेंद्र जी, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून जी, पूर्व विधायक संत कुमार जी, पूर्व विधायक भाई नरेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल जी, वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नेता चक्रवर्ती शर्मा जी, नगरपालिका रोहतक के पूर्व चेयरमैन सतीश पंसारी जी, नगरपालिका रोहतक के पूर्व चेयरमैन अजीत जैन जी, कुलदीप वत्स जी, नरेश हसनपुर जी, धर्मपाल डीआईजी जी, रमेश आचार्य जी, अरविंद गुलिया जी, राजीव गुगनानी जी, गुलशन इश्बिनानी जी, नीना राठी जी, अनीता मिगलानी जी, राजेश जून जी, मोहित धनवंतरी जी, अरविंद गुलिया जी, दीपक धनखड़ जी, मोनू शर्मा जी, सतीश शिकारा जी, श्रीनिवास गुप्ता जी, काला निमाना जी, जीते प्रधान बादली जी, पंकज सदेवा जी, मोनू शर्मा जी, बहादुरगढ़ से नगर पालिका के चेयरमैन पुत्र भाई संदीप राठी जी, कलानौर नगर पालिका के चेयरमैन भाई अमित जी, हमारे बहादुरगढ़ के पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के रवि खत्री जी, सभी ये तो जो कुछ नाम जो लिख पाए थे, मगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूं, क्योंकि सभी पूरा कांग्रेस का परिवार आज इस मंच पे उपस्थित है और इस प्रांगण में बैठा हुआ है। सारे कांग्रेस परिवार के मेरे कार्यकर्ता भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, प्रेस के साथी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस मंडी के शेड में आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। पिछले 4-5 घंटे से आप लोग लगातार यहां बैठे हैं और जिस भावना से बैठे हैं, जिस जोश के साथ बैठे हैं, मुझे विश्वास है ये आपकी भावना, ये जोश रंग लेके आएगी और हरियाणा में परिवर्तन लेके आएगी, आपकी सरकार लेके आएगी। आज जब आप इस मंच में, इस शेड में आना शुरू हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता हरियाणा में इनकी सरकार थी, सत्ता पे काबिज थी जब यहां पे आप और हम आना शुरू हुए थे। मगर जब आप यहां पे आ बैठे, इस प्रांगण में बैठे, तो बैठे बैठे चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी और वो जो सरकार थी वो केयरटेकर सरकार हो गई। और आज जब यहां से आप जाओगे तो संकल्प लेके जाओगे इस केयरटेकर सरकार को सत्ता से बाहर करके अपनी सरकार दोबारा बनाने का आप विश्वास और संकल्प लेके जाएंगे, मुझे विश्वास। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र की तरफ से स्वागत करता हूं। लंबे समय तक आपने मुझे यहां से अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा था, इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद मिला। आप सब की तरफ से मैं स्वागत करता हूं एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के रूप में मैं स्वागत करता हूं हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का, कि वो आज रोहतक की इस पावन धरा पे पहुंची हैं। मैं स्वागत करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, विपक्ष के नेता के रूप में आज दोबारा से अलख जगाने, बिगुल बजाने चुनाव का रोहतक में आज पहुंचे। मैंने चंडीगढ़ में भी एक बात कही थी और आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह था आप दोनों का, उसमें सारे कह रहे थे कि
ये जोड़ी हरियाणा के अंदर परिवर्तन लेके आएगी और ये भाई और बहन की जोड़ी हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार से हरियाणा का पीछा छुड़ाएगी। उस समय भी मैंने एक बात की थी, उस समय मैंने एक बात की थी कि भाई बाकी सारे तो भाई बहन बोल सकते हैं, मगर मैं बचपन से दीदी बोलता हूं शैलजा जी को, तो मैं बुआ नहीं बोलूंगा, मैं तो दीदी बोलूंगा, मैं अपने उस पर कायम रहूंगा। बहुत उम्मीदें हैं आप दोनों से और कांग्रेस पार्टी से, प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो ये निकम्मी सरकार है, 5 साल जिस सरकार ने हरियाणा का इतना नुकसान किया है, आज हम सब सबसे ऊपर देश है, सबसे ऊपर प्रदेश है, हमारे देश का प्रदेश का भविष्य सर्वोपरि है। आज हम सबको संकल्प लेना है कि अपने प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए इस नकारा सरकार से पीछा हरियाणा का छुड़ा है। जिस सरकार ने, जो हरियाणा 2014 में जब इनकी सरकार बनी और तुक्के से सरकार बनी, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, मोदी सरकार बनी थी, उस बात को लेकर लोगों ने इनकी सरकार बनाई ये सोच के कि शायद और भी कुछ अच्छा हो। इनका कोई संघर्ष नहीं था हरियाणा में, इनकी हरियाणा के लोगों से उस समय कोई जुड़ाव नहीं था, लोगों ने उस बात को देख के इनकी सरकार बना के बहुत बड़ा विश्वास किया था। मगर इन्होंने क्या किया, 2014 में जो हरियाणा देश में जाना जाता था, विकास के मामले में देश में नंबर एक था, निवेश के मामले में देश में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, किसान के भाव में नंबर एक था, बड़े बुजुर्गों गरीब के पेंशन के सम्मान में नंबर एक था, भाईचारे में नंबर एक था, खुशहाली में नंबर एक था, उदाहरण दिए जाते थे हरियाणा के। 5 साल में इस बीजेपी की खट्टर सरकार ने उस हरियाणा को हर मामले में पीछे धकेलने का काम किया है। हरियाणा चाहे वो आर्थिक बात हो, आर्थिक क्षेत्र हो, आज जो हरियाणा निवेश में नंबर एक था, 5 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी, एक ही निवेश का एक रुपया नहीं आया, जो फैक्ट्री लगी हुई थी वो बंद हो गई। गुड़गांव के अंदर मारुति बंद हो गई, मानेसर के प्लांट में होंडा की फैक्ट्री बंद हो गई, फरीदाबाद के अंदर तो रोहतक के अंदर महिंद्रा की फैक्ट्री बंद हो गई। नई फैक्ट्री आने की तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन कह दिया था कोई नई IMT नहीं लगाएंगे, हमारे समय 6 IMT लगी हरियाणा में, पहले दिन कह दिया था कोई नई IMT नहीं लगाएंगे, ये काम सरकार का नहीं, IMT लगाने की दूर की बात है, कोई नई फैक्ट्री भी नहीं आई, जो IMT लगी हुई थी और जो फैक्ट्री लगी हुई थी वो बंद हो गई। आज वो हरियाणा जो निवेश में नंबर एक था, बेरोजगारी में नंबर एक पहुंचा दिया, हरियाणा के आर्थिक रूप से हरियाणा का बैंड बजा दिया, चौपट हो गई अर्थव्यवस्था, कर्जा 3 गुना हो गया, बेरोजगारी नंबर एक हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा जो सुख शांति के लिए जाना जाता था वो अपराध में नंबर एक पहुंच गया, महिलाओं के ऊपर अपराध में वो हरियाणा नंबर एक पहुंच गया। भ्रष्टाचार की ऐसी छूट हमने नहीं देखी, हर मंत्री, रोहतक के हमारे मंत्री से लेकर वित्त मंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक, हर मंत्री भ्रष्टाचार में इस तरीके से खुले का भ्रष्टाचार के कारनामे। आप सब जानते हो खुली छूट, कहीं खनन का मामला है तो कहीं ग्वाल पहाड़ी का मामला है, रोहतक के अंदर बड़ी बड़ी शहर के बीचों बीच जो जमीन है उस जमीन को कौड़ियों के भाव देने का मामला है, तो यमुनानगर के अंदर और दादरी के अंदर रेती की पहाड़ी की खनन में लूट का मामला है। मुख्यमंत्री जी तक इसके तार पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी करी है। भ्रष्टाचार की लूट आज उस हरियाणा में, जो हरियाणा भाईचारे के लिए जाना जाता था बचपन से लेकर, मैं भी इस रोहतक के प्रांगण में पला बढ़ा हूं, कभी ये फर्क नहीं था, भाई भाई में कभी फर्क नहीं देखा, हम स्कूल में जाते थे हमें पता नहीं था कौन किसी धर्म से है कौन जाति से है, कभी पता नहीं था, कभी फर्क नहीं आया, कभी आंख से आंख मिलते हुए कभी एक दूसरे को शर्माना नहीं पड़ा। आज उस हरियाणा के अंदर इस सरकार ने उस भाईचारे पे आज पहुंचाने का काम किया। 10 साल जिस हरियाणा जो अपनी सरकार रही, सुख शांति का ऐसा आलम था, फौज की बुलाने की जरूरत तो दूर की बात है, गोली चलने की बात तो दूर की बात है, पुलिस की गोली चलने की दूर की बात है, कहीं लाठीचार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं आई उस हरियाणा में। उस हरियाणा में 3 बड़े आंदोलन, कानून व्यवस्था की विफलता, कानून व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सरकार की होती है, उस जिम्मेदारी निभाने में जो सरकार विफल रही,
80 से ज्यादा लोगों को अपनी जाने फौज की पुलिस की गोली से गंवानी पड़ी। यह इनका रिपोर्ट कार्ड है। बात करते हैं उसके बाद घमंड में चकनाचूर हो गए, काम कुछ किया नहीं, कोई एक काम नहीं किया। ये बताएं इनके समय एक यूनिवर्सिटी लगी हो तो बताएं, एक मेडिकल कॉलेज बना हो तो बताएं, एक मेट्रो की लाइन बनी हो तो बताएं, एक रेल की लाइन बिछी हो तो बताएं, एक कोई आईएमटी बनी हो तो बताएं, एक थर्मल का कारखाना लगा हो तो बताएं, काम कुछ किया नहीं, घमंड में चकनाचूर है। और कहते हैं 75 पार, अब की बार 75 पार, सही बात है, 75 पार भी सही बात है, घमंड हो गया 75 पार नहीं, घमंड अब हो गया 100 पार। कैसे घमंड 100 पार हुआ है, 75 पार भी करके मानेंगे, पेट्रोल और डीजल भी 75 पार करके मानेंगे, रुपया भी डॉलर के मुकाबले में 75 पार करके मानेंगे, और बेरोजगारी भी 75 क्या 100 पार करके मानेंगे। ये बात सही है, मगर अब की बार 75 पार नहीं, अब की बार 75 पार नहीं, अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार खट्टर साहब सरकार बाहर, अब की बार हरियाणा को बचाने का, हरियाणा के और आपके मान सम्मान की पगड़ी को रौंदने का काम इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं आज जागने की जरूरत है, हरियाणा के मान सम्मान की, आपके मान सम्मान की पगड़ी को रौंदने का काम इस सरकार ने किया है। हरियाणा को बचाने की जरूरत है और हरियाणा के साथ साथ लोकतंत्र को भी बचाने की जरूरत है। आज लोकतंत्र पे भी खतरा है, जब सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज आके कहें कि लोकतंत्र पे खतरा है तो समझ जाना चाहिए, 4 बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के आके कहें लोकतंत्र पे खतरा है, समझ जाना चाहिए लोकतंत्र पे खतरा है। जब सीबीआई ईडी सारी जांच की एजेंसी देश के हर विपक्षी नेता पे, केवल कांग्रेस की बात नहीं, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, मायावती जी से लेकर अशोक गहलोत जी तक, वीरभद्र जी से लेकर कैप्टन अमरिंदर से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तक, सब बड़े नेताओं पे जो विपक्ष के कोई भी मजबूत आवाज हो, उन आवाजों को दबाने के लिए देश की एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाए तो समझ जाना चाहिए लोकतंत्र खतरे में है। जब मीडिया को धन बल से और डर बल से मीडिया को ऊपर के स्तर पर काबू करने के प्रयास किए जाएं तो समझ जाना चाहिए लोकतंत्र खतरे में है। नीचे से तो ये भेजेंगे, जो मेरे साथी बैठे हैं ये तो भेजेंगे, आज की खबर भी भेजेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो भी भेजेंगे, मगर ऊपर दिखाई नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर मैनेजमेंट कुछ और है। तो ऐसा जब आलम हो तो समझ जाना चाहिए लोकतंत्र खतरे में है। और जब लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में शाम दाम दंड भेद का नंगा प्रयोग किया जाए, जैसे रोहतक लोकसभा चुनाव में किया गया था, नतीजों को अपने पक्ष में लेने का प्रयोग किया जाए तो समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है, तब यह समझ जाना चाहिए लोकतंत्र खतरे में है। हरियाणा को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लड़ाई लड़नी होगी, आपको और हमको छाती तान के ठोक के लड़ाई लड़नी होगी। आज प्रदेश हमारी तरफ देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, आज प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी की तरफ देख रहा है, हम सब की तरफ देख रहा है कि आज प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाए, हरियाणा को बचाया जाए। हरियाणा को और कोई बचा नहीं इस प्रदेश में, एक समय प्रदेश में दूसरी भी पार्टियां थी, लोक दल था, पिछली बार मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी मिली थी, उनका क्या आलम हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनके एक पार्टी की 2 पार्टियां हुई, एक निशान के 2 निशान हुए, चश्मे से पहले चप्पल निकली और चप्पल से अब क्या निकल गई, ताला लग गया दुकान पे, ताली ले आए, वो भी उनका क्यों आलम हुआ, बीजेपी के साथ मिलकर चले इसलिए आलम हुआ, भाजपा के इशारे पे विपक्ष की जो मजबूत आवाज थी उसके खिलाफ बीजेपी के षड्यंत्र में शामिल हुए, हुड्डा साहब के, मेरे खिलाफ, कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ बीजेपी के निशाने पे वो शामिल रहे, इसीलिए उनका ये हाल और ये हश्र हुआ इस लोकसभा चुनाव में। आपने देखा उन पार्टियों क्या हाल हुआ, दोनों पार्टियों ने 10-10 उम्मीदवार उतारे, 20 उम्मीदवार दोनों मैदान में आए, उन 20 उम्मीदवारों की मैं शैलजा जी को बताना चाहता हूं, हमारी अध्यक्षा हैं, उन 20 उम्मीदवारों की जितनी लोक दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, इनके 20 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में आए, 20 उम्मीदवारों के जितने मत आए उससे ज्यादा मत तो अकेले कांग्रेस के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज उनका यह आदर्श हुआ। आज आपकी और हमारी तरफ इसीलिए प्रदेश देख रहा है, उम्मीद अगर कहीं है, उम्मीद की नजर है तो हमारे पे टिकती है, और इसीलिए जब से
आप इस अभियान में निकले हैं, उसी दिन से हर रोज कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, आपकी हमारी मान सम्मान की पगड़ी बचाने की इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद और आपका साथ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शाम दाम दंड भेद एक मंत्री मंत्री के पुत्र रात को पैसा फेंक रहे हैं तो दूसरे मंत्री सुबह शहर के अंदर बूथ कैप्चर करते हुए जा रहे हैं। शाम दाम दंड भेद का जो प्रयोग किया गया, जिस तरीके से रोहतक लोकसभा चुनाव के अंदर जो नतीजा, उस नतीजे की चोट, और मैं निशाने पे क्यों था, क्योंकि देश में कोई भी मजबूत विपक्ष की आवाज है उसको बंद करना चाहते, इसलिए मैं विपक्ष में निशाने पे था। मैं कोई व्यक्तिगत वजह से निशाने पे नहीं था, आपकी नुमाइंदगी कर रहा था इसीलिए निशाने पे था, आप निशाने पे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो जिस तरीके से इन्होंने शाम दाम दंड भेद करके रोहतक लोकसभा चुनाव का नतीजा बदलने के प्रयास किए, उस बात का बदला वोट की चोट से इस चुनाव में आप लोगे कि नहीं लोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, यहां से ताकत बनेगी। रोहतक से राजनीति की फिजा बदलती है, रोहतक से राजनीति की फिजा बदलती है, इनको भी पता है इस बात का, इसीलिए अमित शाह कहीं पे आएंगे तो रोहतक में आएंगे, नड्डा जी कहीं आएंगे तो रोहतक में आएंगे, और प्रधानमंत्री जी भी पिछले छह महीने में अगर तीन रैली कहीं करके गए हैं तो रोहतक में करके, इनको पता है यहां से रोहतक से राजनीति की फिजा बदलती है। मगर मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, मैं बताना चाहता हूं अमित शाह जी को, ये रोहतक हमारा रोहतक है, ये रोहतक आपका रोहतक नहीं है। फिजा बदलेगी यहां से, कांग्रेस के पक्ष में हवा चलेगी, शैलजा जी और हुड्डा जी के पक्ष में हवा चलेगी, हरियाणा को दोबारा से सही रास्ते पे लाने की हवा चलेगी, खुशहाली भाईचारे के साथ विकास के मामले में उज्जवल भविष्य का निर्माण हो हमारी अगली पीढ़ी की, इस सोच के साथ हवा चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर खास तौर पे, विशेष तौर पे शैलजा जी का मैं खास तौर पे धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बचपन से लेकर आज तक हमेशा उनका मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, समय समय पे लाड प्यार, जो एक बड़ी दीदी का कभी कभार बुआ के रूप में, कभी कभार दीदी के रूप में जो मिलना चाहिए वो हमेशा मिला। आज आपको एक जिम्मेदारी मिली है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस लड़ाई में ये मैं विश्वास दिलाता हूं, इस लड़ाई में आपका छोटा भाई आपके साथ, आपके नेतृत्व में आपका छोटा भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई लड़ने में अंतिम समय तक साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट के लिए हमारे मध्य में हमारे जिला कांग्रेस अर्बन के शहरी के पूर्व अध्यक्ष पंसारी जी अपने विचार रखेंगे, दो मिनट के लिए। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी का मैं रोहतक आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस रोहतक का मैं जिला प्रधान होने के लिए, शहरी प्रधान होने के नाते इनका स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते मैं इनका स्वागत करता हूं। अग्रवाल समाज का प्रधान होने के नाते इनका स्वागत करता हूं। पूरे औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। अग्रवाल समाज की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। कि ये जो जोड़ी बनी है ये पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष का वो है, और पूरी जो आदरणीय मंच है और जो मेरे साथी हरियाणा के लोग इतने बैठे हैं, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, असली स्वागत मैं उनका करता हूं। और आदरणीय मंच, मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो नाम लिए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक मिनट के लिए मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में जरूर कहूंगा, उनकी शराफत का पता सिर्फ इसी बात से लग जाता है कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ डिनर था, बाहर से डेलीगेट आया हुआ था, उनको उस डिनर में जाना था और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे।
मैनवाला जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग तो मैं ले लूंगा, आप दिल्ली जाओ। बेन बोले, नहीं भाई, मीटिंग मैं लेके जाऊंगा। मैं उनका इस बात के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात उनके बारे में जो तरक्की की बात है, ये बीजेपी वाले कहते थे कि हमारे एक प्रदेश के अंदर IIT, IIM और